रतलाम रेलवे स्टेशन के वाहन स्टैंड पर चल रहे सट्टे की सूचना पर सोमवार को कार्रवाई के लिए पहुंचे एसपी स्क्वाड के एसआई के साथ बदमाशों ने विवाद का झूमा झटकी की। एसपी को घटना की जानकारी मिलने के बाद सीएसपी जीआरपी थाने पर कार्रवाई करवाने पहुंचे। जानकारी के अनुसार वाहन स्टैंड पर वर्षों में से खुलेआम सट्टा चलने की शिकायत जिला पुलिस को मिल रही थी। सूचना पर एसपी स्क्वाड के एसआई अनुराग यादव को कार्रवाई के लिए भेजा गया। सादी ड्रेस में यादव के पहुंचने पर बदमाशों ने विवाद शुरू कर दिया और झूमा झटकी करने लगे। इसके बाद जीआरपी को सूचना दी गई। जीआरपी पुलिस भी मौके पर पहुंची और सट्टे की कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 3 मोबाइल और 5100 नकद जब्त हुए हैं। जीआरपी पुलिस फिलहाल मारपीट मामले में जांच की बात कह रही है। चलो ठीक है, किसके साथ मारपीट हुई है, क्या पूरा इश्यू है, क्या घटना घटने का है, क्या कार्रवाई की है? आज दोपहर में रतलाम डीआरपी के साइबर सेल के उपनिरीक्षक अनुराग यादव अपनी टीम के साथ यहाँ पे आए थे और उन्होंने ऐसा बताया था कि इधर माल गोदाम के पास में ट्रकों की आड़ में लोग मोबाइल से सट्टा लिखते हैं, उनके साथ उन्होंने ट्रैक किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। उपरोक्त सूचना पर से मैंने अपने यहाँ से एक एएसआई, एक जनरक्षक और यहाँ से टीम भेजी थी, जिन्होंने वहाँ जाके माल गोदाम के आसपास जाके घेराबंदी की थी। उपरोक्त घेराबंदी में उन्होंने 3 लड़के वहाँ पे पकड़े थे, वो रवि, एजाज और लोकेंद्र, और इनके पास इन्होंने 2 मोबाइल जब्त किए थे और 5100 रुपये जब्त किए हैं। इसी दौरान वहाँ बीच में ऐसा बताना है कि जो साइकिल स्टैंड के जो आसपास के कर्मचारी थे और जो ऐसा ठेकेदार बताया जा रहा है, उन लोगों द्वारा बीच बचाव की कोशिश की है और पुलिस को अपनी कार्रवाई में कुछ रुकावट उत्पन्न की है, जिसके संबंध में अलग से जांच की जा रही है। तीनों ठटोरियों के खिलाफ 4 का 2 अधिनियम का मामला दर्ज करके विवेचना में ले लिया गया है। बाद जैसी कार्रवाई होगी की जाएगी। नहीं, वो अभी हमारे पास कोई फुटेज उपलब्ध नहीं है। आरोपी पक्ष का अपना तर्क है, लेकिन हमारी जो पुलिस टीम का अपना जो तर्क है उसको अमान्य नहीं किया जा सकता। पुलिस द्वारा जो बताया गया है उस पर मेरे द्वारा संज्ञान लिया गया है और विधि अनुसार कार्रवाई उसमें की जाएगी। थाने से थोड़ी दूर पे ही घटनाक्रम हुआ, आपको संज्ञान है? हाँ, टीम भेजी गई थी, ऐसा झगड़े के संबंध में कोई सूचना नहीं है, प्राथमिक रूप से प्राप्त नहीं हुई थी। जब टीम वापस आई, हमने ही हमारी टीम उनके साथ भेजी है यहाँ से, लेकिन हमारी टीम वर्दी में थी जो थोड़ा पीछे थी, हमारी टीम पीछे थी उनके साथ में, साथ में हमारी टीम भी गई थी यहाँ से, हमारी टीम पीछे थी। मौके पे सिविल में थे, चूंकि अनुराग जी को शायद वो वहाँ के एज अ पुलिस या जो भी अन्य कांस्टेबल थे उनको जानते हैं या पहचानते नहीं होंगे, जो भी कारण रहा हो वहाँ पे, इसलिए जो भी इनके बीच की झूमा झटकी उसके में अलग से वो मेरे को बताया गया कि उसके कुछ फुटेज है, मैं उनके फुटेज निकलवा रहा हूँ, उसकी जाँच करवाऊंगा और अगर वैसा पाया जाएगा तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ भी। कौन से जो झूमा झटकी करने वाले थे, कितने लोग थे? झूमा झटकी वहाँ बताया कि जो साइकिल स्टैंड के आसपास कर्मचारी थे उन लोगों ने झूमा झटकी की है, किसी के खिलाफ नामजद अभी अपने पास शिकायत नहीं है। अभी इस कार्रवाई के बाद उसमें भी कार्रवाई की जाएगी, वहाँ मौके पर कैमरे लगे हैं, उनका फुटेज प्राप्त करके उनका अध्ययन किया जाएगा और फिर कार्रवाई की जाएगी।